जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सावन माह की सीरीज चल रही है। आज की वीडियो कुछ हटकर है, लेकिन है बहुत जबरदस्त, यानी है बहुत काम की। यानी कहना क्या चाहती हूँ कि सुहागन महिलाएं इस सावन महीने में क्या करें और क्या भूल कर भी ना करें, जिससे आपके पति की क्या हम ऐसा अच्छा कार्य करें जिससे आपके पति की आयु लंबी हो, आपके पति निरोगी हो, उनकी तरक्की हो, उनकी उन्नति हो, आपके घर में खुशहाली हो, आपके बच्चे कामयाब। तो इस सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या भूल कर भी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ सावन माह के, और सावन माह में सुहागन स्त्रियों क्या ऐसा करें कि उनकी पति की आयु दीर्घ हो जाए, उनके घर में खुशहाली आ जाए। माता गौरा को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना कहूं तो सावन का महीना है। माता गौरा को प्रसन्नता मिलती है सुहागन स्त्री यदि कहीं खुले में जाती है तो वो सिर ढक के रखें, मंदिर में जाए तो, या कहीं खुले में विचरण करें तो, क्योंकि मैंने बताया कि भगवान शिव और माँ गौरा भूलोक पर विचरण करते हैं, और सुहागन स्त्रियों को देखकर माता बहुत प्रसन्न होती हैं, हरे रंग को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं, हरियाली को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। कोशिश करिए संभवतः इस सावन के महीने में जितने भी आपके पास वस्त्र हो उनमें से हरे हरे एक तरफ छाट के ज्यादातर हरे रंग पहने, शुभ रंग रह पहने, भूल कर भी नीला और काला रंग थोड़े दिन के लिए उठाकर अपनी कब्र से रख दीजिए, बाहर मत निकालिए। नीला और काला रंग थोड़े दिन के लिए रख दीजिए एक सावन के महीने के लिए। माता गोरा को प्रसन्न जो करना ठहरा, माता गोरा को श्रृंगार करना बहुत पसंद है, इसलिए कभी भी आपकी मांग खाली ना रहे, मांग को भर के रखिए। हाथों में हरी हरी चूड़ियां या कांच के कड़े जो भी आप पहनना चाहें वो आप पहन सकते हैं। गले में मंगलसूत्र मतलब सुहाग की आपकी जो निशानियां हैं, जो आपको सौभाग्यशाली स्त्री को प्राप्त होती हैं, सुहागवती स्त्री को प्राप्त होती हैं, उनको जरूर धारण करके रखिए। आजकल के टाइम में बच्चियां इन बातों को नहीं मानती हैं, ये चीजें नहीं पहनना चाहती है, लेकिन इन चीज का बहुत महत्व होता है। तो सावन के, अगर आप सारा समय, आपको लगता है कि हम वर्किंग है, हम सारा समय नहीं पहन सकते, तो जब माँ गोरा आपको, आप ये मुनि मानिए कि माँ गोरा आपको प्रत्यक्ष देख रही हैं, माँ गोरा आपको देखकर प्रसन्न हो रही हैं। जब माँ गोरा आपको देखकर प्रसन्न होंगी तो आपके जीवन में से इन चीजों का कभी अंत ही नहीं होगा, आपके जीवन में से ये चीजें कभी हटेंगी नहीं। हम भी तो यही चाहते हैं ना कि हम सदा सुहागन रहें, हमारे जीवन में से इन चीजों का कभी समाप्ति ना हो। तो सदा सुहागन रहने के लिए सावन के महीने में हरी हरी चीजें धारण करिए, हरी हरी चूड़ियां धारण कीजिए, तो मांग भरिए, तो सिंदूर लगाइए, तो बिंदी पहन लगा के रखिए, तो अगर मंगलसूत्र जिस भी तरह का आपका जैसा भी है, जैसा भी धारण करना चाहते हैं वैसा धारण कीजिए। अगर नहीं धारण कर सकते, लाल रंग का धागा आप अपने गले में जरूर धारण करिए। तो इस तरह से आप अपने आप को तैयार करके रखिए। और एक महा उपाय बता दूं हर एक सुहागन स्त्री के लिए, मैं ये बता रही हूँ सुहागन स्त्री के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, प्रेममय बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, इस सावन के महीने में जहां भी संभव हो पेड़ जरूर लगाइए। कोई पौधे मंदिर में, कहीं चौराहे में, कहीं शिवालय में, कहीं बगीचे में जगह देखकर पौधे जरूर लगाइए। अगर बेल का पेड़ लगा देते हैं तो मैं क्या ही बोलूँ, फिर तो आपकी बल्ले ही बल्ले है। और ये इस तरह से करिए। और नंदी महाराज को, भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज को, जो आपकी सूचना सबसे पहले भगवान शिव तक पहुंचाते हैं, उनको हरा चारा खिलाना इस सावन में बिल्कुल मत भूलिए। जब भी आपका मौका लगे, जब भी आपका मौका लगे, दिन को छोड़ दीजिए बिल्कुल, कि सोमवार का दिन है कि मंगल है, कि बुध को खिलाएं कि न खिलाएं, या हमें सोमवार को ही खिलाना था आप सोमवार निकल गया, हमें बुधवार को खिलाना था बुधवार निकल गया, निकल जाने दीजिए। जो आपके हाथ में है उसको कस के पकड़िए और उसी दिन उस कार्य को कर डालिए। बैल को हरा चारा, चाहे आप पूरे महीने में एक ही बार खिला पाए, दो बार खिला पाए, आपकी श्रद्धा, आपकी सुविधा जो भी है, लेकिन खिलाए जरूर। एक तो वृक्ष लगाने का मैंने बताया जरूर लगाए, एक मैंने हरा चारा बोला जरूर खिलाए। पति पत्नी दोनों मिलके खिलाते हैं तो फिर तो कहने क्या, आपका जीवन भी में भी हरियाली हरियाली हो जाएगी, खुशहाली खुशहाली हो जाएगी, आपके पति की दीर्घायु होगी, उन्नति होगी। जरूर हरा चारा आप ना खिला पाए, अपने पति के हाथ से खिलवा दीजिएगा। माता गोरा को जो आप श्रृंगार अर्पित करेंगी, माता गोरा को श्रृंगार अर्पित करने के बाद आप जो कुमकुम है उसे आप अपनी मांग में लगाएंगी ही। प्रीवियस वीडियो में आप सुन चुकी हैं, समझ चुकी हैं इन सारी बातों को, तो लेकिन आप इस बात का ध्यान भी जरूर रखेंगी
कि आपको जो भी आपने श्रृंगार की सामग्री माता रानी को चढ़ाई है, गौरा माता को चढ़ाई है, उसमें से कुछ एक वस्तु, यानी कि चाहे कुमकुम लेकर आइए, चाहे चूड़ी लेकर आइए, कुछ एक वस्तु उनसे मांग कर तो ले आइए। उनके जो आपने उनको माथे पे तिलक लगाते हो, वहां से थोड़ा तिलक लीजिए, उनके चरणों में स्पर्श कीजिए और अपने मस्तक पर लगाइए, अपनी मांग में लगाइए। कैसे नहीं अटल सुहाग होगा? जरूर होगा। माँ गोरा आपको अटल सुहाग का वरदान देंगी, दीर्घायु होंगे आपके पति, परिवार में खुशहाली होगी। इस तरह से सुहागन स्त्रियों को मैंने बताया कि क्या नहीं करना है, ये नहीं कि निंदा चुगली बुराई करने आप कहीं भी खड़े हो गए, नीले काले कपड़े पहनने कोई होश भी नहीं है आपको, शाम हो गई है, दिन छिप गया है, दिया बाती की जगह आप चुगली बुराई में लगे हुए हैं, ठीक है, और दिन छिपे आपने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, अपने घर में प्याज बनाना शुरू कर दिया है, साथ में खाना भी शुरू कर दिया है, तो ये सारे कार्य जो है निषेध माने गए हैं, वर्जित माने गए हैं। भगवान ऐसे कार्य घरों में प्रवेश नहीं करते हैं। आपको सुख समृद्धि आपको नहीं प्राप्त होती है। फिर आपको लगता है हम बहुत सारी पूजा बहुत सारे उपाय करते हैं लेकिन हमको फल नहीं मिलता। फल कैसे नहीं मिलता? कहीं ना कहीं हम चूक कर जाते हैं। अगर आप प्रातःकाल उठकर किसी मंदिर की सफाई कर दें इस सावन में, तब देखो क्या आपका आनंद ही आनंद आएगा, सारी परेशानियों का सफाया हो जाएगा, सारी परेशानियों का सफाया हो जाएगा। आप मंदिर के प्रांगण में, आपने देखा आजकल जल्दी जल्दी आंधी आ जाती है, पत्ते गिर जाते हैं, जरा बुहार दो आंगन, मंदिर का आंगन बुहार के तो आ जाओ, देखो जरा कितने आपके जीवन में से परेशानियां दूर हो जाती हैं। करके देखो, मंदिर की साफ सफाई करो। आप एक और चमत्कारी कार्य कर सकते हैं कि जो मंदिर शिवालय अगर आपके घर के आसपास है तो उसके ऊपर जो जल है वो लगा होता है, जिसमें से जल गिरता रहता है नीचे, आप कभी उसको भी साफ कर दो। बहुत सारे एक बाल्टी में लोटे भरे हुए रखे रहते हैं जिससे भक्तजन जल अर्पित करते हैं, किसी दिन उनको ही साफ कर दो, थोड़ा सा समय तो निकालो। आप नहीं कर सकते धन से, आप नहीं कर सकते किसी चीज से, तन से तो कर सकते हो, समय तो आपका है, तन तो आपका है, मन और तन ये दोनों चीज आपकी है, इनसे करो कुछ तो सेवा करो। मंदिर की सफाई करके आ जाओ सोमवार के दिन, किसी दिन बहुत भीड़ होती है, बहुत सब चारों तरफ कुछ 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 गिर भी जाता है, मक्खियां भी आ जाती हैं, जाओ तो सफाई करके आ जाओ कि लाइए पंडित जी आज हम आपकी मदद करते हैं, आज हम सफाई करवा देते हैं आपके साथ। आपका मन खुद भी प्रफुल्लित होगा, आपको लगेगा कि आज मैंने जाने अपनी कितनी सारी परेशानियों का अंत कर दिया। करके देखिए, सभी सुहागन स्त्रियों को इस सावन के महीने में इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि आप अगर बाहर निकले खुले में जाए तो सिर को ढक के रखें और अपने सुहाग चिन्ह जो है आपके उनको आप धारण करके रखें और निंदा चुगली बुराई ना करें, कोशिश करें जो वर्जित चीजें हैं उनका सेवन ना करें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें। कोई आपके द्वारे पर पशु आ जाता है, चाहे गाय है या बैल है या रास्ते में दिखता है, तो उसको बिल्कुल भी डंडे से चप्पल से झाड़ू से कदापि ना मारे, यानी उसे धुतकारे ना, जो भी आपके पास संभव हो कुछ खाने के लिए दे, और खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ ले लेकिन मारे ना, इस तरह की चीजें। और अपने घर में अपनी तरफ से कोई भी विवाद का कारण आप स्वयं ना बने, हमेशा विवाद को अवॉइड करने की कोशिश करें, गुस्से से दूर रहें, केवल भगवान के स्मरण में करें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहें, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जब भी आपको गुस्सा आता है आप मंत्र का जाप शुरू कर देंगे, एक गिलास पानी पी लेंगे तो उस मंत्र की शक्ति भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और गुस्सा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में समझती हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, तो इजाजत दीजिए, इतना ही, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय माँ पार्वती कुछ भी लिखिए, लिखिए जरूर, ईश्वर आपकी मदद करें।